प्रदेश की सबसे बड़ी सीमांत अनाज मंडी नीमच में सौदा पत्रक के आधार पर जिंसों की खरीदी जारी है। किसान अपना माल का नमूना लेकर व्यापारी की दुकान पे पहुंच रहे हैं और भाव तय होने के बाद व्यापारी के गोदाम में माल तुलवाकर अपना पेमेंट ले रहे हैं। लॉकडाउन के चलते कृषि उपज मंडी बंद है, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही थी। उसी के मद्देनज़र राज्य की शिवराज सरकार ने किसानों और व्यापारियों को यह सहूलियत दी कि सौदा पत्रक के आधार पर व्यापारी अपनी दुकान पर किसान से उपज खरीद सकता है। नीमच कृषि उपज मंडी के व्यापारी इन दिनों सुबह 11 बजे तक किसान का इंतज़ार करते हैं और नमूने के आधार पर खरीदारी कर रहे हैं। मैं प्याज लाया था, 50 कट्टे लाया था और आकाश ट्रेडिंग के यहाँ सौदा पत्रक के आधार पे मेरा जो प्याज है वो विक्रय हुआ। और किसान जो माल लेके आता है उसको मैं सौदा पत्रक के आधार पर प्याज की खरीदी करता हूँ। मैंने किसानों के लिए यहाँ पे एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना अनिवार्य, मास्क, अगर जो किसान के पास मास्क नहीं है उनको मास्क उपलब्ध करवाते हैं, साथ ही उनको सैनिटाइजर से हाथ धुलवाना और स्वच्छता के लिए उनको कुछ जो आज के समय कोरोना से लड़ने के लिए जो भी उनको सावधानियां बरतनी है उसके लिए उनको बताया जाता है। क्या व्यवस्था है इसमें? किसान और व्यापारी अगर सहमत हैं तो किसान भाई सौदा पत्रक के आधार पर अपना माल व्यापारी को मंडी प्रांगण के बाहर विक्रय कर सकता है और उनका विक्रय सौदा हो जाता है जिस जो मंडी समिति के माध्यम से होता है। व्यापारी का ये दायित्व रहेगा कि किसान को तत्काल नगद भुगतान करे और उसकी सूचना मंडी समिति के पास आ जाती है जिससे मंडी समिति को मंडी टैक्स मिल जाता है। लॉकडाउन के चलते गाँव में स्थितियाँ नाजुक हैं। किसान का एकमात्र सहारा है उपज, और उपज की बिक्री यदि नहीं होती है तो वो मुश्किल में पड़ सकता है। ऐसे में सरकार की इस सहूलियत से निश्चित ही किसानों को फायदा होगा। वॉइस ऑफ MP के लिए महेंद्र अहीर की खास रिपोर्ट।